नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शिव भारद्वाज। ज्योतिष के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दर्शकों, ज्योतिष विज्ञान और नक्षत्र की गणनाओं के आधार पर हम आज आपको बताने जा रहे हैं 12 राशियों का हाल। लेकिन हम आपका राशिफल नहीं बताएंगे, लेकिन 12 राशियों के स्वास्थ्य, कारोबार, विदेश गमन, विद्यार्थियों के लिए और विवाह में अड़चन परेशानियों के लिए हम बात करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे उपाय की, कि यदि आपके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित अड़चन परेशानी आ रही है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। आपको आपके कारोबार में यदि अड़चन परेशानियां आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं कारोबार में, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं और उसमें भी अड़चन परेशानियां आ रही हैं, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए, खासकर विद्यार्थियों के लिए, यदि आपके विद्या अध्ययन में रुकावटें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। और यदि आपके विवाह में भी अड़चन परेशानी आ रही है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो प्रत्येक राशियों के हम उपाय बताएंगे कि यदि आपके जीवन में ये सारी परेशानियां आ रही हैं तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। वो उपाय हम आज इस खास प्रोग्राम में आपको बताने जा रहे हैं। अब लेते हैं वृष राशि। वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज खास उपाय हैं हमारे पास। वृष राशि वाले व्यक्ति, जिनकी जो दूसरी राशि है वृष राशि, यदि आपके स्वास्थ्य में अड़चन परेशानी आ रही है तो आपकी राशि का स्वामी है शुक्र। आप शुक्र से संबंधित दान करें, सफेद चीजों का, आटा, चीनी, चावल, दूध, ये किसी धार्मिक स्थान पर जाकर के दान करें, किसी धार्मिक स्थान पर जाकर के दान करें, तो आपके जो स्वास्थ्य में अड़चन परेशानी आ रही है, जो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, वो ठीक हो जाएगा। शुक्र आपका राशि का स्वामी है तो शुक्र से संबंधित दान करें। यदि वृष राशि वाले व्यक्तियों के कारोबार में अड़चन परेशानी आती है, आपका कारोबार नहीं चलता है या आपकी नौकरी में दिक्कत परेशानी आ रही है, तो आप शुक्र मंत्र का जाप करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः, शुक्र का मंत्र है और शुक्र दैत्य गुरु हैं और शुक्र की आराधना करनी चाहिए। तो यदि आपके कारोबार में या नौकरी में अड़चन परेशानी आ रही है तो शुक्र का मंत्र का जाप करें। मंत्र दोबारा कह रहा हूं, ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें तो शुक्र प्रसन्न होंगे और आपके कारोबार में, नौकरी में जो अड़चन परेशानी आ रही है वो दूर हो जाएगी। अब तीसरा है विदेश गमन। यदि आपके फॉरेन जाने में दिक्कत परेशानी आ रही है वृष राशि वालों के लिए, तो आपको शुक्र से संबंधित ही दान करना चाहिए। सिर्फ शुक्र की आराधना करें और शुक्र का दान करें। शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें, आटा, चीनी, चावल, दूध, इन चीजों का दान करें। विद्यार्थियों के लिए, यदि आपके विद्या अध्ययन में अड़चन परेशानी आ रही है वृष राशि वाले, तो आपका स्वामी, मैंने जैसे बताया कि आपका स्वामी है शुक्र, शुक्रदेव की आराधना करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करें और साथ में शुक्र का दान करें। हो सके तो उपल 5.25 रत्ती का आप धारण करें, अपनी बीच वाली उंगली में आप धारण करें शुक्रवार के दिन, तो शुक्र आपका प्रसन्न हो जाएगा और आपकी जो विद्या में अड़चन परेशानी आ रही है वो दूर हो जाएंगी। चौथा है आपका विवाह योग। यदि आपके विवाह में अड़चन परेशानियां आ रही है वृष राशि वालों, यदि आपके विवाह